नमस्कार दोस्तों, मैं दुग्गल कुमार, हर चीज़ का जानकार, आज आपके सामने आया हूँ जानकारी लेके। जो मिसाइल छोड़ दी गई है भारत द्वारा गलती से पाकिस्तान में, और जानेंगे इसमें क्या क्या गलतियाँ हुई या क्या क्या जानबूझ के हुआ। तो सबसे पहले भारत के नज़रिए से देखते हैं, तो हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। उन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ऐसी 3 बार और गलतियाँ हो जाए तो पूरा पाकिस्तान देश तबाह हो जाएगा। और कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि ये गलती जब कीबोर्ड साफ़ हो रही थी तो किसी के द्वारा इंटर दाबने से हो गई। और उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी हमने फ़ोन लगाया, तो उन्होंने कहा कि ये जो मिसाइल उनकी आंगिरी है उससे कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन फ़ायदा भी बहुत पहुंचा है उनको। तो हमने फ़ायदे के बारे में जब पूछा तो उन्होंने बताया कि जो मिसाइल थी ये करीब 2,500 किलो की मिसाइल, और जब ये गिरी है तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रद्दी मिला, और उस रद्दी को पिंडी के बाज़ार में जब बेचने गए तो वहाँ पता चला कि इस रद्दी में काफ़ी मात्रा में पीतल और तांबे और कई लोहे भी मिले। तो उससे उनके यहाँ 4 महीने का मटन और नॉन रोटी का जुगाड़ हो गया है। और नुकसान की बात करें तो पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम में स्पीड कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर लगाया था वो पूरी तरह ख़राब हो गया है, क्योंकि इस मिसाइल की रफ़्तार इतनी ज़्यादा थी कि वो कैलकुलेट करते करते गर्म हो गया और तबाह हो गया। बाकी निराशा हुई है उनको कि जो इंडिया ने इतनी छोटी मिसाइल उनके ऊपर दागी, कम से कम 5-10 हज़ार किलो की मिसाइल दागे होते तो ज़्यादा रद्दी मिलता। और इसी के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री से गुजारिश भी की है कि अगली बार बड़ी से बड़ी मिसाइल पाकिस्तान की तरफ छोड़ा जाए। धन्यवाद।